हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरती सिजलिंग किचन। तो आज आपके लिए लेकर आई हूँ एकदम न्यू रेसिपी। आपने आलू कुलचा, पनीर कुलचा और बहुत से कुलचे ट्राई किए होंगे, बट आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एकदम चीज़ी पिज़्ज़ा कुलचा, जो कि बच्चों को तो बहुत पसंद आता है। अगर उनके टिफ़िन बॉक्स में आप इसको डालेंगे तो उनका टिफ़िन बॉक्स हमेशा खाली वापस आएगा। तो आइए शुरू करते हैं इस आसान सी रेसिपी को। आई होप आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ यहाँ पर दूध। तो एक कप से थोड़ा सा कम ये दूध है, 2/3 कप का दूध मैंने लिया है। और अब ले रही हूँ दही। तो 1/4 कप दही, यानी कि 4 बड़े चम्मच आप यहाँ पे दही ऐड कर दीजिएगा। और सब कुछ ये नॉर्मल टेम्परेचर का होना चाहिए। और यहाँ पर 3 से 4 चम्मच मैंने डाल दिए हैं मिल्क पाउडर के, इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो अब हम इसमें डाल देंगे देसी घी। तो 3 से 4 बड़े चम्मच इसमें देसी घी ऐड किया है मैंने। साथ में डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे मैदा। तो 1 कप मैं यहाँ पर मैदा डाल रही हूँ, साथ में 1 कप गेहूँ का आटा डाल रही हूँ। आप चाहें तो मैदे को स्किप करके गेहूँ का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा और 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर इसमें डाला है, कसूरी मेथी, थोड़ा सा धनिया और पुदीना के पत्ते। तो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर की जगह आप यहाँ पर इनो का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप ईस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। बस अब इन सबको हमें अच्छे से मिक्स करना है और इसका एक सॉफ्ट सा आटा हमें लगाना है। अगर आपको आटा थोड़ा सूखा लग रहा हो तो आप इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर सकते हैं या फिर आप थोड़ी सी दही भी ऐड कर सकते हैं, 1 से 2 चम्मच। और इसको अच्छे से गूंथना है और फिर हमें इसे रखना है रेस्ट के लिए लगभग 1 से 2 घंटे के लिए। तो ये मेरा आटा तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा लूँगी और इसे फिर उसके बाद रेस्ट के लिए छोड़ दूँगी। तो इसके बाद मैं यहाँ पर कुछ सब्जियाँ हैं उन्हें हम सॉटे कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने पैन में ले लिया है थोड़ा सा बटर। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी बीन्स। तो लगभग 3 से 4 बड़े चम्मच के करीब यहाँ पर बीन्स लिए हुए हैं मैंने। तो 1/2 मिनट के लिए मैं इसे थोड़ा सा पका लूँगी। अब मैं इसमें डाल दूँगी गाजर। तो गाजर को भी मुझे 1/2 मिनट के लिए पकाना है। तो इसे भी हम 1/2 मिनट के लिए हाई फ्लेम में सॉटे कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे बाकी की बची हुई सब्जियाँ। तो उसको भी बस 1/2 मिनट के लिए हम इसे सॉटे करेंगे। हमें सब्जियों को पूरी तरह पकाना नहीं है, बस इनका हल्का सा कच्चापन दूर करना है। और इसमें डाल दूंगी मैं अब थोड़े सा ऑर्गेनो और टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर लेंगे। तो बटर में भी सॉल्ट होता है तो ध्यान से ही हमें सॉल्ट इसमें ऐड करना है। और बस इसे 1 से 2 सेकंड के लिए और पकाना है और ये हमारा मिक्सचर जो है तैयार हो चुका है। अब इसे हमें ठंडा होने देना है। 1 से 2 घंटे के बाद आप आटे को भी चेक कर लें। तो मैंने आटे के ऊपर गीला कपड़ा रख लिया था ताकि इसमें जो है पपड़ी ना जम जाए ऊपर। और ये हमारा आटा भी अच्छे से तैयार हो चुका है, देख सकते हैं आप, जाली जालीदार इसमें पैटर्न आ गया है। बस अब हम आटे से 1 लोई निकाल लेंगे और बस उसको अब चकले में थोड़ा सा फैला लेंगे। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ कलौंजी। आप यहाँ कलौंजी की जगह काले तिल भी ले सकते हैं। और बस आपको अब जो है इसको बेलना है, एक रोटी की शेप दे देनी है गोल सी। तो अब मैं इसमें लगा रही हूँ टोमेटो केचप। आप इसकी जगह पिज़्ज़ा सॉस या फिर शेज़वान चटनी लगा सकते हैं। और जो हमने सब्जी का मिक्सचर तैयार किया था उसे हम इसमें डाल देंगे। ध्यान रहे कि सब्जियाँ आपकी ठंडी हो चुकी हों, उसके बाद ही आप इसे बनाना शुरू करें। तो बस इसको थोड़ा सा ट्रायंगुलर शेप में मैं रख रही हूँ। अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ ढेर सारा चीज़, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और इसके साइड कॉर्नर्स में अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी लगाऊंगी ताकि जब मैं इसको बंद करूं तो ये इजीली बंद हो जाए और ये फटे ना। तो इसको मैं ट्रायंगुलर शेप में ही बंद कर रही हूं। तो आप देख सकते हैं एक साइड का मैंने बंद कर लिया है। अब दूसरी साइड को भी उसी तरह से बंद करेंगे और इसके ऊपर भी हल्का हल्का पानी हम लगा लेंगे। और इसके फिर तीसरे कोने को भी हम अब बंद कर लेंगे। तो ये हमारा ट्रायंगुलर शेप का पिज़्ज़ा बनकर तैयार है। तो इसी तरह से हम बाकी के भी बना लेंगे। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये देखने में। अब हम एक तवा ले लेंगे, उसे प्रीहीट कर लेंगे। और जो कुलचा हमने बनाकर रखा था तो जिस साइड से हमने इसे फोल्ड किया है उस तरफ हम इसमें पानी लगा देंगे क्योंकि अब हम इसे तवे में चिपकाएंगे। तो इस तरह से अब थोड़ा सा इसे प्रेस कर लें और इसे लो फ्लेम में अब पकने दें।
जब कुलचा थोड़ा सा फूलना शुरू हो जाए तो आप तवे को पलट लें। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि कुलचा थोड़ा सा फूल गया है। तो अब हम तवे को पलट लेंगे और इसको दूसरी तरफ भी सेक लेंगे अच्छे से। तो ये देखिए, हमारा कुलचा बनकर बिल्कुल तैयार है। तो ये इजीली निकल जाता है। तो इसी तरह से हम दूसरे बाकी के कुलचे भी तैयार कर लेंगे। तो उसी तरह से पानी लगा के हम तवे पे उसे रखेंगे और जब कुलचा धीरे धीरे फूलना शुरू हो जाए तो हम उसको पलट कर गैस में फुल फ्लेम में सेक लेंगे। तो इस तरह से हम सभी कुलचों को तैयार कर लेंगे। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो इसी तरह से हमारे कुलचे बनकर तैयार हो चुके हैं सारे। तो अब मैं इसमें लगा दूँगी बटर। तो बटर में आप थोड़ा सा गार्लिक डाल लें या फिर इसमें थोड़ा सा धनिया के पत्ते डाल लें तो बहुत अच्छा ये देखने में लगता है। तो ये हमारे पिज़्ज़ा कुलचे बिल्कुल तैयार हैं। एकदम चीज़ी चीज़ी यमी यमी पिज़्ज़ा कुलचा, देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। आपको कैसी लगी रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलती हूँ अब आपको नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।